हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू प्रूव दिस टू इक्वेशंस थ्रू ए ग्राफिकल मेथड। तो नाउ आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर जो हमारी ये वाई एक्सिस है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है और यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है वो हमारा टाइम को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर हम ग्राफ का अगर हम ये देखते हैं तो ये हमारा ओ से ए तक हमारा जो है यू हो जाता है। तो हम लोग ओ ए इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी कर सकते हैं और इसके बाद ओ से सी तक जो हमारा ये होता है इसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहते हैं। अब अगर ध्यान देने वाली बात है तो ओ से सी जो होगा हमारा बी डी की इक्वल हो जाएगा, तो बी डी भी हमारी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी वी हो जाएगी। ठीक, और यहाँ पे जैसे ओ ए बराबर हमारा यू है तो वो डी ई की इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम ओ ए इक्वल्स टू डी बता सकते हैं तो जो कि हमारे यू के इक्वल होगा। और अगर हम सिर्फ इतने एरिया की बात करते हैं ग्राफ में तो ये हमारा वी माइनस यू हो जाएगा, जिसको कि हम पूरे को हमने यहाँ से यहाँ तक इसको वी माना है और इसके बाद ये वाला पोर्शन मेरा यू हो गया तो इस वाला पार्ट हमारा वी माइनस यू हो गया। चलिए, तो हम आपको पहले बताएं कि इस ग्राफ में हमको स्लोप निकालना होगा। स्लोप निकालने के लिए हम ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे, तो इन ट्रायंगल हम यहां बताएंगे कि भाई ए बी ई स्लोप, स्लोप जो होगा हमारा स्लोप ऑफ दी ग्राफ। अगर हम ग्राफ का स्लोप निकालते हैं तो देखिए क्या होता है, अगर हम स्लोप निकालते हैं तो हमारा ये हो जाता है ए बी इक्वल टू हमारा हो जाएगा बी ई अपॉन क्या हो जाएगा, ये ए ई हो जाएगा। और बी ई को अगर हमें लिखने की बात आएगी तो हम बी डी माइनस डी ई लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा बी डी माइनस डी ई। और ए ई जो है हमारा यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो वो ओडी के इक्वल हो जाता है, तो हम यहाँ पे ओडी लिख सकते हैं क्योंकि ये ए ई जो है ये हमारा ओडी के इक्वल है। तो अब बी डी जो हमारा होगा देखो यहाँ पे हो जाएगा वी और डी हमारा हो जाएगा यू। तो अब ओडी जो है हमारा वो टाइम को इंडिकेट कर रहा है, ग्राफ में हम दिखा रहे हैं, हमने लिखे नहीं है, आप इसको ध्यान दीजिए, ओडी हमारा टाइम को दिखा रहा है। तो ओडी हमारा ये टाइम हो गया। ठीक है, चाहे तो हम यहाँ पे ओडी हम आपके सुविधा के लिए हम लिख देते हैं कि ये टाइम हमारा हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ए बी है वो हमारा ए बी एक्सेलरेशन को दिखा रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू होगा, देयर फोर वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, हमारा ये फर्स्ट इक्वेशन बच्चों ये प्रूफ हो जाता है। तो आप ध्यान रखिए ये इक्वेशन जो हमारा होता है वो एक्सेलरेशन के थ्रू इसमें फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम ये सब चीजें कैलकुलेट कर ली जाती है। ठीक है, तो इसको हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए हम आपको इसमें सेकेंड इक्वेशन की प्रूविंग बताते हैं। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा और आप इसको बहुत अच्छे समझ गए हैं। तो अब चलिए हम आपको यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन में बताते हैं कि सेकेंड इक्वेशन हम कैसे प्रूव करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ग्राफ, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ग्राफ इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा एरिया कवर्ड बाई दी ग्राफ, एरिया कवर्ड बाई दी ग्राफ, ये इसका फंडा है, ये आपको याद रखना होगा। डिस्टेंस ट्रेवल बाई दी ग्राफ हमारा क्या होगा, यहाँ पे एस हो जाएगा, जो कि एरिया कवर्ड बाई दी ग्राफ के इक्वल होता है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे एस, और ध्यान देने वाली बात है कि एरिया कवर्ड बाई दी ग्राफ, देखो एरिया कितना कवर्ड कर रहा है, यहाँ इनिशियल से शुरू हुआ ओ ए बी डी ओ, तो हमारा हो गया एरिया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि फिगर ये पूरी ट्रेपेजियम है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी डी, बी डी और फिर ये ए पे आ गया। तो बच्चों आपको याद होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा होता है हाफ सम ऑफ दी पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो मान लिया जाता है। तो देखो बेटा ये जो इसका है ये OA जो है हमारा ये OA BD के पैरेलल है, तो हम लोग यहां लिखेंगे भाई 1 अपॉन 2 OA
प्लस हमारा क्या आ जाएगा बीडी और इनटू डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा यहाँ ओडी ये टाइम दिखा रहा है तो यहाँ पे हमको ओडी लिखना होगा और इस पे हम वैल्यू रखेंगे। ओए हमने पहले से बता रखा है कि ये हमारा यू है और मैं यहाँ लिख भी रखा हूं और बीडी हमारा वी है तो यू प्लस वी इंटू हमारा ये टी हो गया। और आपको हम सब अभी प्रूफ किए थे कि भाई वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी तो यहां आप लिख सकते हो बट वी नो भाई वी नो की वी इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है पहले इक्वेशन में, हम इसकी यहां पे वैल्यू रख देंगे। तो चलो हम इसको मिटा देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। तो अब आप देखिए एस इक्वल्स टू हाफ यू प्लस इस v की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ये अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे हम u प्लस ए टी रखेंगे तो यह u प्लस ए टी इंटू हमारा ये t हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए u और u हमारा यहाँ ऐड हो गया तो ये हमारा हो गया 2u प्लस ए टी इंटू हमारा ये t हो गया। ठीक है, तो अब ये सब कुछ s में चल रहा है तो अब इसको मल्टीप्लाई भी करना है हमको और 2 से डिवाइड भी करना है तो ये हमारा होगा 2ut अपॉन 2 प्लस हाफ at स्क्वायर, ये हो गया। और अब यहां पे 2 और 2 कट गया तो अब हम बता देते हैं आपको कि देखिए इसमें क्या आ रहा है, ये हमारा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन हो गया जिससे हम को क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व हम लोग कर सकते हैं इसमें। अगर आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम है तो आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं। इस तरीके से जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा ग्राफिकल मेथड में होता है वो पहला v इक्वल्स टू u प्लस at हो जाता है, दूसरा हमारा s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, तीसरा इसी का मतलब कॉम्बिनेशन है वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। अभी आप इसी की प्रैक्टिस करिए, तीसरे में कुछ बहुत नहीं है। तीसरा हमने आपको वैसे भी बता रखा है जो डायरेक्ट मेथड होता है उसके थ्रू भी, लेकिन हम आपको फिर इसके नेक्स्ट छोटा सा वीडियो बना करके बता देंगे। अभी आप इतने दोनों की ही खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है।